हे गाइस, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का यार सीरीज खत्म हो गया, जिसमें हम लोग ने यार बांग्लादेश को यार टेस्ट सीरीज में भी यार पटक के धोया, 2-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। फिर यार T20 सीरीज में भी यार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में बांग्लादेश को 3-0 से व्हाइट वॉश किया, पटक पटक के गाड़ मारा बांग्लादेशियों का हर मैच में। ये बांग्लादेश को क्या हो गया, मुझे क्या पता, जब से इंडिया के साथ खेलना ऐसे पड़ा हुआ है। अब लेकिन न्यूजीलैंड की बारी है दोस्तों, आज से भाई इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, तो हम फैंस के लिए भाई मजे ही मजे है, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह भाई ये टेस्ट मैच खेलेंगे यार। और पहला मैच यार भाई चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें विराट कोहली का फेवरेट स्टेडियम है, तो उम्मीद रहेगा कि यार विराट कोहली के यार इस मैच में सेंचुरी आए यार। भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यार चोमू सुभमन गिल को हटा के भाई यार जसप्रीत बुमराह को नया यार टेस्ट टीम का वाइस कप्तान बनाया गया है। भाई हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि यार चोमू सुभमन गिल को हटाओ और यार जसप्रीत बुमराह को यार कप्तान चाहे वाइस कप्तान बनाओ, भाई ये डिजर्व करते हैं बंदा। भाई जिस तरह विराट कोहली यार इंडियन टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जसप्रीत बुमराह भी यार हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो, कोई कितना भी इंडिया के बॉलर को धो रहा है, लेकिन यार जब बुमराह आते हैं ना, तो भाई सबकी पैंट गीली होने लगती है, मुंह तो निकलने लगता है बुमराह को फेस करने। भाई सब सोचते हैं कि यार यहाँ से निकल लो, वही में भला है यार। और अभी बुमराह का यार एज भी है भाई 30-32 साल के हुए ही हुए यार, वो अभी यार आराम से भाई कप्तानी कर सकते हैं इंडियन टीम का यार, वो डिजर्व भी करते हैं भाई। जलवा है हमारा। और हमारी इंडियन टीम भाई बैंगलोर में भाई बहुत मस्त प्रैक्टिस भी कर रही है भाई, और बैंगलोर का भाई यार पिच भी है बहुत मस्त, स्वाली विकेट पे शायद स्पिनर का बॉलिंग भाई बहुत ज्यादा ही टर्न कर, और स्पिनर भाई 5 विकेट चाहे रविचंद्र अश्विन ले, चाहे रविंद्र जडेजा ले, चाहे अक्षर पटेल ले, भाई इन तीनों में से कोई ना कोई यार 5 विकेट हॉल लेगा ही लेगा दोस्तों। लेकिन हम लोग को यार भाई न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं लेना है भाई, न्यूजीलैंड भाई बहुत खतरनाक टीम है यार, बांग्लादेश की तरह नहीं है, न्यूजीलैंड की कोलैप्स हो जाएगी, ये भाई टफ टाइम इंडिया को देगी ही देगी, इतना मुझको न्यूजीलैंड पे भी भरोसा है यार। अगर मजा आता है जब यार भाई दोनों तरफ से कंपटीशन रहता है, तो मैच देखने में भाई बवाल लगता है भाई, एकदम पीक पे लगता है, एब्सोल्यूट सिनेमा लगता है यार। और इंडिया का यार स्क्वाड वही था जो बांग्लादेश के सीरीज में था, जिसमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत हो गए भाई, चाहे यार आसदीप हो गए यार, बुमराह हो गए, अक्षर पटेल हो गए, रविचंद्र अश्विन हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, कुलदीप यादव हो गए, और हमारे DSP मोहम्मद सिराज हो गए। अब बच के रहने न्यूजीलैंड वालों, अगर मोहम्मद सिराज को यार टेस्ट सीरीज में पेला तो तुमको लॉकअप में बंद कर देगा, क्योंकि यार वो नए DSP बन चुके हैं भाई। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। 3 टेस्ट मैच का सीरीज होगा भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ, और मजा आने वाला है भाई न्यूजीलैंड से मैच देखने में यार, जितना मजा बांग्लादेश से था ना, उससे कई गुना ज्यादा मजा न्यूजीलैंड का आएगा, क्योंकि भाई टफ कंपटीशन होगा यार, इंडिया भी भाई टफ सिचुएशन में पड़ेगा, न्यूजीलैंड भी ये टफ सिचुएशन में पड़ेगा, न्यूजीलैंड को भी यार स्पिनर बहुत अच्छे अच्छे हैं भाई, और न्यूजीलैंड स्पिनर खेलने में भाई बहुत तगड़ा है, अजाज पटेल को याद कर लेना भाई, जिसने 10 विकेट हॉल लिया था एक ही इनिंग में इंडिया के सामने, तो यार उसको नहीं भूलना है, उसको कम से कम हर ओवर से 10 रन पेलना है इंडिया वालों। और ट्रिब्यूट देना आजाज पटेल को यार, कि यार जैसे तुमने 10 विकेट हम लोग का लिया था ना, हर ओवर से तुमको 10 रन पेल के हम लोग ट्रिब्यूट देंगे तुमको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और न्यूजीलैंड ने हम लोग को यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 वाला हराया, तो वो भी हम लोग को नहीं भूलना है, हर चीज का बदला लेना न्यूजीलैंड वालों से। मेरे को लगता है ना भाई ये सीरीज जाएगा 2-1 से भाई, 2 टेस्ट मैच इंडिया जीतेगा, 1 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जीतेगा, क्योंकि भाई न्यूजीलैंड भाई बहुत खतरनाक ही टीम है भाई, टेस्ट चैंपियनशिप के लीग में भाई 4th नंबर पे यार, पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे भाई इंग्लैंड है, चौथे पे न्यूजीलैंड है भाई, तो हल्के में न्यूजीलैंडियों को नहीं लेना है यार। रोहित शर्मा, विराट कोहली का बल्ला यार भाई बांग्लादेश के खिलाफ खामोश था, उम्मीद रहेगा कि यार इस मैच में भाई उनका सेंचुरी आए, नहीं तो शायद रोहित शर्मा भाई यार हद से ज्यादा ट्रोल होंगे, विराट कोहली भी ट्रोल होंगे, क्योंकि विराट कोहली का एवरेज भाई बहुत भाई दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इनसे आगे जोय रूट निकल गए, इनसे आगे केन विलियमसन निकल गए, इनसे आगे स्टीव स्मिथ निकल गए, लेकिन इनको कोई परवाह ही नहीं पड़ता है। और विराट कोहली के साथ साथ भाई केएल राहुल का भी यार सेंचुरी आ सकता है, क्योंकि भाई केएल राहुल का वो भाई फेवरेट ग्राउंड है, और उनका होम ग्राउंड भी यार केएल राहुल का यार, और टेस्ट फॉर्मेट में तो यार केएल राहुल भाई सबसे बेहतर है, चाहे वो ODI में खेलना हो, चाहे T20 में खेलना हो, भाई केएल राहुल यार टॉप पे हर लेवल पे ही रहते हैं। और पिछले मैच में भाई यार देखा कि यार बांग्लादेश के खिलाफ क्या ब्रिलियंट इनिंग खेली थी यार उन्होंने यार।
तीन टेस्ट मैच का सीरीज है। जैसा कि आपको पता है भाई, पहला टेस्ट मैच चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होगा, दूसरा टेस्ट मैच भाई पुणे में होगा और तीसरा टेस्ट मैच वानखेड़े में होगा। तो भाई यार मजे है भाई साउथ फैंस के लिए, क्योंकि यार भाई साउथ फैंस यार भाई मैच देखेंगे, और जो यार भाई ईस्ट वेस्ट के फैंस है वो भाई यार आराम से भाई मोबाइल पे चाहे टीवी पे मैच देख सकते हैं। यार बीसीसीआई भी यार भाई बहुत चापलूसी करता, जब जब इंडिया का मैच इंडिया में होगा ना तो ये देंगे स्टेडियम चेन्नई में, चाहे यार केरला में दे देते, चाहे भाई हैदराबाद में, चाहे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, वानखेड़े में, लेकिन ये नहीं कि झारखंड में कभी करा दे, ये नहीं कि कान्हा स्टेडियम में कभी करा दे, ये नहीं कि कभी धर्मशाला में करा दे। यार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराते हैं भाई, लेकिन यार हम लोग की तरफ कभी ध्यान नहीं देते, बिहार यूपी की तरफ यार, कम से कम हम लोग के ऊपर भी ध्यान दो भाई। सबसे ज्यादा फैन देखते हैं कहाँ का, बिहार ही यूपी का यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएगा कि यार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज कौन जीतेगा, पहला टेस्ट मैच कौन जीतेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा यार।